दोस्तों आज का वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चांदनी के प्लांट के 5 जो चीजें हैं वो शेयर करने वाली हूँ। उसमें पहला पॉइंट है कि आप नर्सरी से खरीदने के बाद में आप इसको रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके प्लांट में रूट्स बाउंड हो चुका है तो आप उसको किस तरह से सही कर सकते हैं या उस समय आपको क्या करना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि दोस्तों अगर आपके जो इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए इस समर सीजन में कौन सा खाद सबसे बेहतर होता है कि आपके प्लांट में जो है फिर से ग्रोथ स्टार्ट होगी। चौथा पॉइंट है कि आप इसको किस तरह से प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स इसलिए रखा है क्योंकि मैं वाटर में भी आपको प्रोपोगेशन करना बताऊंगी और साथ में आपको जो है सॉइल में भी बताऊंगी। तो यहाँ पर इन 5 पॉइंट्स को आज जो है कवर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों चांदनी या क्रेप जैस्मिन का जो प्लांट होता है, आपके सामने जो फ्लावर खिले हुए हैं इनमें कोई खुशबू नहीं आती है, सिर्फ फ्लावर ऐसे ही रहते हैं लेकिन दिखने में ये काफी सुंदर होते हैं, व्हाइट कलर का और सेंटर में आप देख सकते हैं येलो कलर का एक डॉट दिखता है। तो प्लांट काफी खूबसूरत रहता है, लीव्स में काफी शाइन रहती है। तो इसकी केयर अगर आपने सही से नहीं किया या जो चीजें मैं अभी बता रही हूँ वो चीजें अगर आपने नहीं किया फॉलो, तो शायद आपके प्लांट के लीव्स से जो येलो हो सकते हैं या फ्लावर नहीं भी आ सकते या कलियां बन रही है शायद ना भी खिले। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो पहला पॉइंट को कवर करते हैं कि नर्सरी से जब आप प्लांट को खरीद कर लाते हैं तो उसे रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सॉइल मीडिया बनाना है। सॉइल मीडिया के लिए यहाँ नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मैंने यहाँ लिया है। अगर आपके वहाँ चिकनी मिट्टी है तो आप सैंड मिक्स कीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बोन मिल ले रही हूँ। अगर आप बोन मिल नहीं लेना चाहते हैं तो आप मार्बल डस्ट जो होता है वो आप ले सकते हैं बोन मिल की जगह पर, और जो हॉर्न मिल है उसे आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ हॉर्न मिल भी मैंने एक मुट्ठी लिया है, सरसों की खली और जो है नीम की खली 2 मुट्ठी, क्योंकि काफ़ी लोगों को हो सकता है कि बोन मिल और हॉर्न मिल से प्रॉब्लम हो। तो जो भी लोग ये बोन मिल या हॉर्न मिल नहीं मिक्स करना चाहते हैं तो वो लोग इसकी जगह पर मार्बल डस्ट पाउडर जो है मिला सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन या आप खाद की शॉप में भी ले सकते हैं। सेम ही काम करता है वो भी, मतलब आपके जो प्लांट में कैल्शियम देगा, कैल्शियम जो है आपके प्लांट को स्ट्रांग बनाता है और साथ में कलियां भी काफ़ी सारी आती है। तो आपको अगर बोन मिल हॉर्न मिल से प्रॉब्लम है तो आप जो है मार्बल डस्ट पाउडर ले सकते हैं और जो है सरसों की खली नीम की खली ये सब जो चीज़ें बताया उसके साथ आप जो है मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है 1 चम्मच साफ फंगीसाइड भी डाला है। वैसे अगर आप बोन मिल हॉर्न मिल मिला सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 8 इंच के गमले में लगा रही हूँ। ड्रेनेज होल के ऊपर एक गमले का टुकड़ा रखा है और जो सॉइल मीडिया हमने बनाया उसी में ही रिपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप समर सीजन में इस प्लांट को रिपोर्टिंग करते हैं तो आप बस इतना कीजिएगा कि ग्रो बैग को आप दोनों साइड से काटिए और प्लांट को निकालिए और उसको जो है आप लगा दीजिए। आप देख सकते हैं इसके रूट्स नीचे तक आ चुके हैं, तो हमें बिल्कुल भी खींचाता नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट जो है वो शॉक में जा सकता है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि इसका सही समय कौन सा रहता है रिपोर्टिंग करने का, तो आप नर्सरी जब भी जाए, मतलब इसके समर सीजन स्टार्ट होने से पहले ही जाए। जैसे मैं ये प्लांट लेके आई थी मई महीने में, लेकिन अगर आप जा सकते हैं सही समय तो आप फरवरी के टाइम पे चले जाइए या मार्च तक लेके आइए, तो आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे तेजी से ग्रोथ कर लेगा। इस समय तक आपका प्लांट काफी बड़ा हो जाएगा। अच्छे से पानी दे दीजिए प्लांट में और प्लांट को 2 से 3 दिन तक आपको शमी शेड में रखना है और उसके बाद आप इसको धूप में रख सकते हैं। दोस्तों जब आपका चांदनी का प्लांट डोरमेंसी पीरियड के बाद का सीजन होता है, मतलब इस तरह की कंडीशन है या आपके प्लांट में रूट्स बाउंड हो रही है या प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, तो आप अपने प्लांट को अच्छे से प्रून कीजिए। अगर सीजन सही है जैसे फरवरी हो गया या फरवरी मार्च का पहला महीना है, तो आप उसको पूरा इस तरह से शेप दे दीजिए, मतलब छोटा कर दीजिए अपने प्लांट को।
और अगर आपके प्लांट में रूट्स बाउंड हो रखा है इस तरह का और आपके प्लांट के जो गमला है उसमें जगह नहीं है, तो आप अपने प्लांट के रूट्स को थोड़ा सा जो है रूट्स बाउंड हो गया इसमें, तो आपको रूट्स को थोड़ा सा काटना पड़ेगा। तो एक शेप बना दीजिए बॉल की तरह, बहुत ज़्यादा रूट्स को मत काटिएगा, मतलब आपको कम से कम 30 से 40% जो रूट्स है उसे रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्लांट जो है बचेगा नहीं, मतलब ख़त्म होने लगता है अगर रूट्स बहुत ज़्यादा आपने काट लिया। तो ये जो रूट्स बाउंड की प्रॉब्लम है, इसे भी आपको करने का सही समय अगर मैं बताऊं तो रेनी सीजन में कीजिएगा, नहीं तो आप फरवरी महीना जो होता है वो सबसे बेस्ट रहता है इसके लिए, या मार्च के शुरू में आप कर सकते हैं, उसके बाद इस चीज को आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने जो है जितना रूट्स हटाना था उतना हटा लिया, बाकी यहाँ तक रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं काटना है। तो यहाँ मैं नॉर्मल जैसे मिट्टी का पॉट्स मैंने वहाँ यूज़ लिया था, वैसा ही मिट्टी का पॉट्स यहाँ पर भी ले रही हूँ मैं। ड्रेनेज होल के ऊपर गमले का टुकड़ा ज़रूर रखिए, या आप जो है किसी पत्थर वगैरह से या कागज़ से भी जो है न्यूज़पेपर से भी आप कवर कर सकते हैं। प्लांट को जिस तरह से हमने रिपोर्ट किया था वैसी ही सॉइल मीडिया अभी मैंने दिया है, और इससे भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन आपका टाइमिंग बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गर्मी में इस चीज़ को नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा गर्मी में करेंगे आप तो आपका प्लांट जो है शॉक में जा सकता है। बस अच्छे से पानी दीजिए और जो है इसे सेमी शेड में रखिए कुछ दिन, और उसके बाद जो है आप अपने प्लांट को जब नई नई ग्रोथ आने लगे, जैसे आप 4-5 दिन तक सेमी शेड में रखिए, और उसके बाद जो है आप इसको प्रॉपर धूप में रखिए। सॉइल मीडिया अगर आपने अच्छे से दिया होगा अपने प्लांट को मेरा ये वीडियो देखकर, या आप जो भी सॉइल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और फ्लावर भी बहुत ही जल्दी से आ जाते हैं। अब बात करते हैं इस प्लांट के लिए फर्टिलाइजर की। तो समर सीजन का प्लांट है, तो आप इसको जो है गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा कोई दूसरे दूसरे न्यूट्रिशंस जो होते हैं जो हम विंटर सीजन में यूज़ करते हैं, वो सब आप इसको नहीं दे सकते। केमिकल फर्टिलाइज़र भी इसे कम से कम दीजिए। तो आप इसको काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़, अगर आपको काउडंग कंपोस्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वो और ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट अगर मिले तो वो भी दे सकते हैं। आप जैसे ये 8 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो इसके लिए आप जो है हर महीने में आपको कम से कम 2 से 3 मुट्ठी जितना देना है, या आप सीवीड जो फर्टिलाइजर होता है ग्रैनुलर फॉर्म में, वो भी आप जो है महीने में एक बार बस 1 चम्मच भर के दे देंगे, तो आपका प्लांट जो है काफी अच्छे से ग्रोथ करेगा। केमिकल फर्टिलाइजर जितना हो सके उतना कम अपने प्लांट की सॉइल में यूज कीजिए। गर्मी के दिनों में तो बिल्कुल आप इसको यूज मत कीजिए। मैंने अभी आप लोगों के साथ एक दिन पहले ही वीडियो शेयर किया है 10 तरह के ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर। तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी अपने प्लांट में देना चाहते हैं, क्योंकि समर सीजन के लिए वो काफी अच्छे से वर्क करता है, तो वो वीडियो आप जरूर से देखिए, लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगी। तो अच्छे से वाटर दे देना है उसके बाद में। दोस्तों यहाँ तक हमने 3 चीज़ों को आपके कवर किया है, रिपोर्टिंग करना, रूट्स बाउंड और खाद का। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोपोगेशन की। तो आप जो है इसके प्रोपोगेशन इस समर सीजन में भी कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि ये इसका ग्रोथिंग टाइम है, तो आप अभी भी जो है इसके प्रोपोगेशन या कटिंग्स लगा सकते हैं। तो मैं कटिंग्स आपको 2 तरह से लगाना बताऊंगी, पहला पानी में और दूसरा सॉइल में। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों चांदनी का जो प्लांट है, अगर उसकी आप पानी में कटिंग्स लगा रहे हैं, तो आपको सॉफ्ट कटिंग लेने से आपके जो जल्दी से रूट्स आ जाती है, और जब आप सॉइल में कटिंग्स लगाते हैं तो आपको सेमी हार्ड कटिंग लेना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वीडियो अगर यहाँ तक आप आ गए हैं दोस्तों, तो ज़रूर से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सॉफ्ट सॉफ्ट जो कटिंग है वो ले रही हूँ, बिल्कुल जो सामने का पोर्शन है बस वही आपको लेना है। 3 से 3.5 इंची जितना ही आप लेंगे, तब भी आपकी कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाएगी। बस इतना ही आपको कटिंग्स लेना है, कोई बड़ी बड़ी इसमें कटिंग्स नहीं लगता है जब आप पानी में कटिंग्स लगा रहे हैं। दोस्तों 3 कटिंग्स यहाँ पर लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपको इतने सारे लीव्स नहीं रखने हैं, सभी लीव्स को हटाइए, बस 2 से 3 लीव्स आपको रखने हैं। दोस्तों 3 कटिंग्स निकाला है मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और तीनों के जो लीव्स है वो हटा दिया है। 2, 3 या 4 ही पत्ते रखने हैं, बहुत ज्यादा पत्तियां नहीं रखना है आपको, और जो है पानी में आपको जो है इसको डिप कर देना है, हर तीसरे दिन पानी को बदलते रहना है, और जो है आपको इसको घर के किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर आपका बहुत ज्यादा धूप ना आए, लेकिन मतलब एक लाइट आती रहे हर समय। दोस्तों 20 दिन बाद का वीडियो आपको दिखा रही हूँ। 20 दिन में आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे से रूट्स जो है वो आ गए हैं, और बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर आप इससे ज्यादा रूट्स चाहते हैं तो थोड़े दिन और रखिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल रेडी है अभी सॉइल में लगाने के लिए।
दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आप सॉइल में किस तरह से लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सेमी हार्डवुड कटिंग लिया है और ऐसे डाली लेकर आइएगा जिसमें फूल आ रहे हो, मतलब उस प्लांट में, वहां से ही आप डाली काट कर लाइए। तो आपके जो प्लांट में जब कटिंग रेडी होगा तो बहुत अच्छे से जल्दी से फूल आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे का जो साइड आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर 45 डिग्री एंगल का कट लगाया और ऊपर से 90 डिग्री, यानी नीचे से आपको थोड़ा सा तिरछा कट लगाना है बस इसी तरह से। और 6 इंच की कटिंग आपको रखनी है। ऐसे ही आप जितनी कटिंग्स लगाना चाहे इसी तरह से आप रेडी कीजिए। तो मैंने यहाँ 4 कटिंग्स निकाल लिया है। अब सॉइल मीडिया बता देती हूँ, मैं यहाँ पर 40% सैंड ले रही हूँ और जो है 60% मैंने यहाँ पर नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया है। बस इसे ही आपको अच्छे से मिक्स करना है और इसी में ही आपको जो है अपने जो कटिंग्स है उसको लगाना है। जब भी आप कोई भी पॉट्स यूज ले उसमें ड्रेनेज होल जरूर से होना चाहिए। और मैंने जो पॉटिंग मिक्स अभी आपको बताया वो मैंने इसमें भर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है आप चाहे तो पहले भी पानी दे सकते हैं अच्छे से। पानी देने से एक बार जो है आपकी मिट्टी अच्छे से बैठ जाती है। और यहाँ पर मैं रूटिंग हार्मोन ले रही हूँ। बस नीचे के साइड से आपको बस पेंसिल की तरह छीलना है, जैसे हम स्कूल में पेंसिल छीलते थे वैसे, और 1 इंच जितना छीलना है। इस तरह से आपको सभी कटिंग्स का करना पड़ेगा। तो मैंने यह सारी कटिंग्स जो है रेडी कर लिया और रूटिंग हार्मोन यूज ले रही हूँ। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप जो है एलोवेरा जेल यूज में ले सकते हैं। एलोवेरा का एक पत्ता काट कर आप जो है उसे यूज ले सकते हैं। यहाँ कम से कम आपको 2 इंच जितना होल करना है मिट्टी में और उसके बाद अपनी कटिंग्स को लगाना है। दोस्तों एक टिप्स भी आपको साथ में बताऊंगी मैं आगे, उससे आपकी कटिंग्स और जल्दी से ग्रोथ होगी, क्योंकि वो तरीका करने के बाद आपका जो कटिंग्स है वो सूखेगा नहीं और नीचे से रूटिंग हार्मोन लगा होने के कारण से जल्दी से रूट्स भी आ जाते हैं। 2 अंगुली की मदद से आप जो है कटिंग्स को अच्छे से जो है दबा दीजिए ताकि आपकी कटिंग्स जो है बिल्कुल भी हिले नहीं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और कटिंग्स को बार बार निकाल के नहीं देखना है। मैं एक बार और यहाँ पर पानी दे रही हूँ ताकि अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन रहे। कोई भी कटिंग्स जब आप लगा रहे हैं तो बस आपको इतना करना है कि इसको मॉइस्चर मेंटेन रखना है, हर समय हल्का पानी रहना चाहिए। और आज का जो टिप्स है वो ये है कि अगर आपके पास साफ फंगिसाइड या कोई भी चीज नहीं है ऊपर से लॉक करने के लिए तो घर पे नेल पेंट तो होगा ही, क्योंकि हर घर में लड़कियां तो रहती है। तो बस अपने नेल पेंट को उठाना है और यहाँ ऊपर से नेल पेंट से आप लॉक कर सकते हैं। इसे लॉक करने से आपका जो ऊपर से कटिंग्स है वो सूखेगा नहीं और कटिंग्स जो है लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों 10 दिन बाद का रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ। देख सकते हैं पत्तियाँ आ चुकी है इसमें काफ़ी अच्छे से, लेकिन अभी भी ये दूसरे गमले में लगाने के लिए रेडी नहीं है। तो हमें कुछ दिनों का वेट करना है, कम से कम रेनी सीजन का तो वेट करना है। समर सीजन में कोई भी कटिंग्स को आप जो है दूसरे दूसरे गमले में लगाएंगे तो आप बहुत मास्टर है तो ही कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। और कटिंग्स को जब हमने लगाया था तो 2-3 चीज़ें बता देती हूँ यहाँ पर आपको, कि सेमी शेड में रखना है, बिल्कुल डायरेक्ट धूप में मैंने नहीं रखा था। दूसरा चीज़ ये है मॉइस्चर हमेशा रहना चाहिए, मतलब आपके जो ये सैंड और जो सॉइल का मिक्सचर है ये हमेशा गीला रहना चाहिए। हल्का हल्का इसमें पानी आप दीजिए रेगुलर, तो आपका जो है कटिंग्स अच्छे से रेडी होगी। अगर आपको दिख रहा है कि कटिंग्स ऊपर से काली हो रही है तो इसका मतलब ये है वो कटिंग्स खराब हो चुकी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने जो क्रेप जैस्मिन या चांदनी के प्लांट के 5 पॉइंट्स को कवर किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।